लाइन में थे तो इतनी कंटिन्यू नहीं हुई, नहीं तो हालत खराब होती। मेरे सामने का मजा आया, एक ही में दो को ले लिया था, अपनी वाइफ को भी लिया था और एक बच्चे को भी ले लिया था। तो बच्चे को पीछे गिर रहा था तो बाकी लोग उसकी फैमिली के थे, तो बोलते अरे वो गिर रहा है। तो मैंने बोला मैं शेड में आ जाए, यहाँ पे खड़ा है, मतलब मैं शेड में खड़ा हो गया था, मैं कहीं यहाँ पे आके खड़े हो जाओ। तो फिर उसका बाप देखा, कहता नहीं नहीं तू आ जा आगे आ जा। तो उसको बोला अब तू मेरे आगे आ जा, नहीं होता छाते पकड़ के। वो पीछे खड़ा था पहले, फिर आगे रखा वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तभी ऊपर से जो पानी रहता है जमा हुआ नहीं रहता वो प्लास्टिक में, वो पूरा उसके ऊपर गिरा, पूरा नहा लिया। किसी के बच्चे को बचाओ तो नहीं, मतलब वो तो बचाने का ऐसा हम कम बचा रहे हैं, लेकिन मतलब वो मजाक हो गया, सब हंस रहे थे। एक तो कहता क्या यहाँ आके खड़ा हुआ कि शेड के नीचे आ रहा हूँ उधर,
उसके बाप फादर ने बुलाया तो पूरा पानी गिर गया, और वो पूरा एकदम बाल्टी जैसा पानी गिरता है ना अगर टेढ़ा हो तो, प्लास्टिक में एकदम हाँ जो जुटा रहता है। करेक्ट करेक्ट, मोहल्ले में ही कहीं बाहर है। अरे वही दत्त मंदिर में। दत्त मंदिर कहाँ पे है? चर्च धन्ना मंदिर। चर्च के वहाँ पे। तो चर्च में जाना है कि मंदिर में जाना है? मंदिर के वहाँ मंदिर। दत्त मंदिर। मैं कैमरा लेके जा रहा हूँ आपका आपके सामने तो नहीं था। जीजा जी सही में कर उनको रास्ता पता था कर पा रहे थे, मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा, मेरे को राइट जाना लेफ्ट जाना कुछ नहीं पता चला था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सोच रही थी नहीं देखूंगी ना तो टेंशन नहीं सोता हूँ, लेकिन ना ऐसी कनखी कनखी करके देख रही थी नहीं। और जब आप बोला ना कि ऐसे कोई यार ढूंढता नहीं तब मैं इतनी ढूंढ गई, मैं सोची भाई आगे गाड़ी क्यों हो रही है। शिशिर बोला वो व्हाइट साड़ी वाला, बोला ना कि उसको ले लेंगे इसके ऊपर बैठ के जाएगी। मैं नहीं बोला था। मेरे को वो ख्याल ही आया मेरे मन में आया कि सामने दिख जाए, फॉल्स ये सब देखने के लिए लोग लोनावला का डाले रहते हैं, लेकिन उसके नीचे भी जाते होंगे ना लोग।
पसीने नहीं हो पाया। यहाँ पे कैसे गिर रहा पानी, वो देखो सामने हल्की सी हिली ना गाड़ी एक बार बस खत्म, सबकी नींद उड़ गई थी। कब हिली? नहीं हिली नहीं, मतलब आप थोड़ा उसमें स्पीड पे वो किए ना। नहीं अपनी इन लोगों को दिख कुछ नहीं रहा था, पीछे से और जाते थे तो बोला था दीदी याद है, अरे थोड़ा धीमे चलाओ थोड़ा धीमे चलाओ। लेकिन वो गाड़ी आगे क्या हुआ इसको? बैटरी डाउन। दोनों साइड में रखे हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी पूरे पेंट रखे हुए हैं शिव के, और ये लोगों ने दान दिया है। अगर देखेंगे तो हिसार से हैं, जिंद से हैं, आप इनके नाम भी देख सकते हैं लोगों के, विवेक शर्मा जालंधर से हैं, इंद्रदेन्द्र सिंह पटियाला, ये हनुमान जी हैं, संजीवनी लाते हुए अगर आप देखेंगे तो इनके हाथ में संजीवनी वाले हनुमान जी, शंकर जी विद कार्तिकेय एंड गणेश, ये गणेश भगवान हैं और इधर कार्तिकेय हैं, ये कार्तिकेय हैं।
को वहाँ से लेके आएंगे, कृष्ण को, कृष्ण वहाँ पे पैदा होंगे और वो सांप उनको देता ना नदी में, वो देखेगा अभी इस दरवाजे से निकलेंगे, वो पूरे चौकीदार है, पूरे सौ के हैं ना चौकीदार, वो देखिए पैदा हुए अभी कृष्ण वहाँ पे पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए हैं, अभी निकलेंगे वो वास्ते उनको लेके निकलेंगे, ये लेके निकले दरवाजे से, देखा रासलीला हो रही श्री कृष्ण, हर हर गोपी के साथ एक कृष्ण लगता था, वो किसके साथ कर रहे हैं, वो भीष्म पितामह को तीर से मार के रख दिया है, वो भीष्म पितामह को तीर से मार के रखा है ना, और ये कृष्ण है लक्ष्मी विष्णु पर, यहाँ पे गणेश है नीतीश जी के साथ दुर्गा माता, ये नरसिंह अवतार इधर, जटायु को मार दिया था ना, तो जटायु को राम जी बताया था, फिर वो उसको मोक्ष देते हैं, और वो बारिश शुक्र का युद्ध हो रहा है, वहाँ पे शुभ विवाह शंकर जी का विवाह हो रहा है, वो डांस कर रहे हैं, नारद जी गाना गा रहे हैं, केवट को दे रहे हैं ना, केवट उनका पैर होता, लेकिन उनका मुंडी हिल रहा है ना, ऐसा पूरा झापकी बनता है, पूरा ऐसे रहता है आर्टिफिशियल, और इन्होंने बहुत बना के रखा है सीन, ये जटायु सीता ले जा रहे हैं और जटायु को मार रहे हैं, रावण ले जा रहा है ना, यहाँ पे जटायु बता रहा हूँ, ये सब पूरा राम जी के उस पर पूरा, मतलब ये पूरा
देखिए अभी यहाँ से कैसे शुरू होता है कि कहाँ से उनकी कहानी शुरू हुई, वैसा टाइप का ये बालकांड, प्रथम सोपान, प्रारंभ, फिर सेकंड बालकांड, पूरा लिखा हुआ है। ये अयोध्या कांड है, पूरा संस्कृत में लिखा हुआ है। और ये पूरा ग्लास, ये पेंटिंग कांच की है, ये कांच की पेंटिंग है पूरी। जूता ले लिया, इधर है 68 है 68। खत्म होती है हमारी
यहाँ पे पहला तल है, यहाँ पे आप प्रथम तल पाएंगे। नीचे भगवान का मंदिर है और ऊपर आपको अलग ही एक एहसास होता है। यहाँ पे राजा दशरथ तथा रानियों के बारे में बताया गया है, फिर श्री राम है और गुरु वशिष्ठ उन सबको ज्ञान देते हुए। बाहर कितनी गर्म है लेकिन यहाँ देखिए एकदम ठंडा रहता ही है। हाँ निकाल लेते हैं। जय जय। पंचमुख महादेव पांच मुख है, पीछे भी एक है चार। तो इसीलिए तो मैं अपने आप को नहीं दिखाता हूँ।
ते एकाने केलं ना ते सगळेच असे करतात. तिच्या डोळ्याला काहीतरी झालं असेल ना. मग तिकडे माणूस थुकला पण. हा बघ हा बघ हा हुशार नाही म्हटलं. नदीचे कोण आले तसंच लिंबू टाकून दिले त्यांनी ते मिळाले. अरे यार काय माणूस आहे पगला. ते समोर येऊन माझ्या व्हिडिओच्या समोर चार्जर बरे चेक करत असतील नाही बा यात्रा कुणी जाणतात ना. Talk, camera.
अभी चेंज करो, बोलो भी नागपुर के। येलो ना उससे वो गिरा था नीचे और उससे स्मूथ। रेती के चिखले किनारे उधर रेती है कि चिखले रेती है, रेती है तो पानी दे जाएंगे वो पर दोनों लगे आराम से आराम से। ना ना कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। Thank you.
देख रहे ना शीतला घाट, वो मंदिर है ना, जब बाढ़ आता तो वो भर जाता, हाँ वो डूब जाता, आओ हर साल डूबता, वो सामने माता का मंदिर, हाँ मतलब पूरा नहीं डूबता, उनके पास पानी जाता है, फिर वहाँ से वापस निकल आता है, मतलब पैर छू के आता है वो, कहा जाता है, हाँ चेहरे छू के आती है।
वो अलग कैमरा, ये क्यों डिजिटल कैमरा है ना, वो लोग SLR रहता है, वो DSLR कितने से नहीं होता, फर्क रहता है। ये केवल वीडियो जूम करके देख सकता है, चांद भी देख लेगा, उनका नहीं देख पाएगा। उनका अगर चांद देखना होगा तो उनका कैमरा 2-2.5 लाख चला जाएगा, आता नहीं इसमें, नहीं इसमें आता। सेटिंग इतना महंगा हो गया है कि कौन देगा। चलता है यहाँ पे आए हुए उसका भी उसी के साथ में नारद जी आए जो वहाँ पे नारद जी यहाँ से लोग भगा दिए वहाँ पे स्नान करके भागे। तो 35 कोटि देवता
जी का मणि माता पार्वती का कांड सुंदर नहीं होता है। तब यहाँ पे भोलेनाथ प्रार्थी कि जैसे हम सभी देवता मूर्ति हैं मणि और मणि के लिए, ऐसे आपकी भक्ति हमेशा मिलती है। यहाँ पे एक आग प्रकट हुआ, आज तक तो आग बुझा नहीं, वो आग भी अगर दिखता होगा तो हम दिखा देंगे, दिख रहा दिखा देंगे। तो आग वो देख रहा है मंदिर के महाकाल का मंदिर है, उसी के अंदर जल रहा है ना, हाँ दिखा छोटा सा दिया जैसे, हाँ तो आग आज तक बुझा नहीं। लेकिन वो है क्या, कुंड है कि क्या है, दिया है कुंड है? कुंड नहीं है, वो ऐसा कुंड जैसा बना है वो रखने का, उसमें क्या बना तुम दोनों ये तो लाइट का लगाएंगे, ये लाइट लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे वो मणिकल का घाट, आप उसने बोला था ना, मैं कभी नहीं पूछता, देखिए कितनी लाश है यहाँ पे, यहाँ पर हाँ स्नान किया वहाँ तो चालू से बाप रे कितनी लाश है, और कभी नहीं पूछती है। तो कौन सा घाट है वो? मणिकल का, मणिकल का, मणिकल का। आप कुछ बोलो। हाँ बोलिए। यहाँ पे शिव जी माता पार्वती स्नान किया, स्नान करते टाइम शिव जी का मणि माता पार्वती का कान का कुंडल गिर गया है, तभी से नाम पड़ा मणिकल का। उस टाइम में गिरा था जब यहाँ पे कोई भी धर्म का नहीं, पूरा जंगल, उस जंगल का नाम था आनंद वन। आनंद वन में रहने के लिए आए थे शिव जी माता पार्वती। तो जब शिव जी का मणि माता पार्वती का कान का कुंडल गिर गया तो उनको हुआ कि अब मिलेगा कैसे, तो शिव जी ने कहा रुको मैं संदेशा देता हूँ दूसरे लोग, तो कुछ देवताओं को भेजेंगे इधर में भक्त दे देंगे। संदेशा दिए इंद्र भगवान को, कुछ देवताओं को भेजो हमारा मणि माता पार्वती का कान का कुंडल गिर गया। उन्होंने मेरा भाई ने क्या सती प्रथा बंद करी थी क्या? नहीं नहीं, वो सतियों को ला के रखती थी कि कोई जले ना, मरे ना, वही हुआ ना, पास रखती है। हाँ मरने नहीं देना, अपने पास ला के रख देना। हाँ हाँ सती प्रथा ना ना, फिर वो डरव जी ने रोका। अच्छा फिर अंग्रेज था? नहीं तिलक ने रोका, तिलक
ये सब घाट ये समेश्वर है, समेश्वर समेश्वर महादेव जी, उसमें शिवलिंग है। हाँ क्या हो गया? अभी बंदी कर सकते साइलेंट करके बोलो, देखना है तो देखो। हाँ बताइए। समेश्वर महादेव जी, समेश्वर महादेव जी का शिवलिंग समेश्वर घाट के नाम से जाना था। कमिश्नर शमेश्वर शमेश्वर क्षमा करने वाले भगवान, हम गलती करें वो क्षमा करें। वो वाला मंदिर कहाँ है जो टेढ़ा रहता है और चलेगी आफ्टर आरती, आरती के बाद? कितने घाट हो जाते फिर ऐसे गिने तो? अब जितने आप लोग घूमेंगे घाट आएगा 35। हाँ वैसे पूरे 84 घाट खिड़किया वहाँ वो बना ला ना, गैस स्टेशन, गैस स्टेशन बना है। हाँ वही गैस स्टेशन। यह है मानसरोवर घाट। हाँ ऊपर में आंध्र आश्रम, जो रेड कलर में बिल्डिंग दिख रहा है ना। हाँ वो प्रदीप कुमार एक्टर का फिल्म स्टार। हाँ प्रदीप, अच्छा प्रदीप स्टार, ये प्रदीप कुमार का है वो एक्टर। अरे वो है ना झूला विलेन बाद सारा ही है। हाँ वो है आंध्र आश्रम। ओके अभी तक नीचे में देखिए जहाँ ये रेड बोर्ड लगा हुआ है। हाँ हाँ छोटा वाला। हाँ हाँ नारद था, करेक्ट है, नारद घाट। लोग बताते हैं कि पति पत्नी भाई बहन यार दोस्त एक साथ स्नान कर लेते हैं तो झगड़ा करने लगते हैं आपस में, इसलिए स्नान करने के लिए मना कर दिया जाता है। अच्छा यहाँ पे आओ तो झगड़ा करने लगते हैं। हाँ अच्छा रहने को अपने आप को बेच करके हम तो एक अयोध्या के श्री राम के बन सकते हैं। तो जब उन्होंने सब पूरा दान में दे दिए उसके साथ कुछ नहीं बचा, तब विश्वामित्र जी ने उनसे दक्षिणा मांगी कि हे राजन अभी आपने दान दिया और हरिचंद्र आजान डेड जोड़ जलाने का काम सत्यवादी हरिचंद्र आजान यही का अपना नौकरी करते हैं यहाँ पर। हाँ विश्वामित्र जी ने परीक्षा लिया था, वही मेरे को ऋषि याद नहीं आ रहे थे, परीक्षा लिया था कि ये सत्यवादी हरिचंद्र आजा बोले कि मेरे को सपने में भी अगर कोई दान मांग लेगा, सपने में भी अगर हमको कुछ भी मांग लेगा अगर करना पड़े तो हम कर देंगे। उन्होंने सपने में आकर दान मांग दिया था पूरा राजपाट। ये बहुत बड़ा राजा थे, चक्रवर्ती राजा, नौ खंड पृथ्वी दशा खंड का, नौ खंड पृथ्वी पर जिनका राज था सत्यवादी। लाली लाली ये हरिश्चंद्र घाट है जो हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लाली 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 घाट, ये विद्या मठ।
तो हम लोग किनारे में एकदम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे थोड़ा, कि हम लोग पीछे रहेंगे आरती के टाइम पे? टाइम कितना हो रहा है? विजयनगर घाट टोटल कितने घाट है पूरा? टोटल 84 घाट है ना। हाँ, अच्छा, ये भी बन रहा है टूट चुके। चौकी घाट कलकत्ता के राज में, कलकत्ता की रानी राजवली घाट बनवाया। घाट बनवा करके हर रोज यहाँ पे स्नान करती, हर रोज स्नान करती थी। बाबू जी हैं, उन्होंने एक साल तक स्नान एक साल करती थी। स्नान करती थी। स्नान करने के बाद एक थोड़ा सा, हाँ, उन्होंने 365 दिन स्नान किया एक साल तक, और 365 मकान दान कलकत्ता के राजा, यानी रोज एक। और भैया जी थोड़ा ही दो चौकी का, मेरा फोन एक दे दो वाला, और पर्स भी दे ही दो तुम, मैंने तो 35 रख दिया। Thank you.